हेलो फ्रेंड्स, मैं मैत्री आपका एपेटाइट किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्रिस्पी आलू टिक्की बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि बाज़ार में इतनी क्रिस्पी टिक्की कैसे बनती है, तो हाँ, आज मैं उसी तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आप देख लीजिए कि इसकी साउंड जो है वो कैसी आ रही है बनने के बाद। तो देखा है आपने कि कितनी क्रिस्पी टिक्की बनी है। तो हम लोग आज इसमें पहले आधा किलो बॉईल किया हुआ आलू लेते हैं। इसको मैंने 4-5 घंटे पहले ही बॉईल कर लिया था। ठंडी आलू होनी चाहिए, नहीं तो इसमें स्टार्च रह जाता है और स्टार्च की वजह से वो क्रिस्पी नहीं बनती। पहले आलू को मैश कर ले। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच अमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या फिर आप इसमें हरी मिर्ची का उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाला है हमने। अब हम यहाँ 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे। ये काला नमक से ये जो फ्लेवर है टिक्की का बहुत बढ़ जाता है। 1/2 चम्मच भुना जीरा का पाउडर। बहुत ही कम मसालों में ये बन के रेडी होता है। फ्रेंड्स, ये जो टिक्की जो हम लोग क्रिस्पी करने वाले हैं विदाउट ब्रेड क्रम्स, विदाउट कॉर्न फ्लोर, तो आप पूछोगे कि क्या डाल रहे हैं आप, तो हम यहाँ पर चावल का आटा से इसको क्रिस्प करने वाले हैं। जी हाँ, जो स्ट्रीट वाले जो बनाते हैं, जो होटल्स में बनती हैं, वो चावल के आटे का उपयोग करते हैं। अगर आप साबूदाने का भी आटा डालेंगे तो भी कुछ देर के बाद वो टिक्की सौगी हो जाएगी, लेकिन अगर आप चावल के आटे से बना रहे हैं तो ये जितने देर आप रखोगे उतने देर क्रिस्पी रहेगी। तो पहले यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाला है। मैंने यहाँ 8 चम्मच मेंशन किया है फ्रेंड्स, तो पहले यहाँ 4 चम्मच डाल लें। इसको अच्छे से मिला लें, फिर से 4 चम्मच ऐड करेंगे। बिल्कुल अच्छे से सारे मसाले एक साथ मिला लें। आप इसमें हरी मिर्ची का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती हरी मिर्ची टिक्की में। यहाँ पे मैं और बाकी बचे हुए चावल के आटे को मिला रही हूँ। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल से चावल जो है अरवा चावल, उसको आप मिक्सी में चला के पाउडर बना सकते हैं। अब इसको अच्छे से, ये देखिए एक डो फॉर्म हो गया है। इसको हम लोग रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि अब फटाफट इसकी टिक्की हम लोग बनाएंगे। इसकी रेस्ट करने की प्रोसेस मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको कैसे रेस्ट कराना है, किस इन्वायरमेंट में इसको रेस्ट करना है। तो पहले हम लोग एक टिक्की फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको आप अपने पसंदीदा शेप में दे सकते हैं, या हार्ट शेप दे सकते हैं, या फिर गोल दे सकते हैं। मैं सिंपली टिक्की बना रही हूँ। ये विदाउट स्टफिंग वाली है फ्रेंड्स, स्टफिंग वाली मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी होली आ रही है तो आप होली में ये डिश बिल्कुल ट्राई करें घर के लिए, फटाफट बन के रेडी होती है। तो आप इस तरीके से अपने डिज़ायर शेप में इसको बना लें, सारे टिक्कियों को इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे होंगे। हाथ में तेल पहले ग्रीस कर लें उसके बाद करें, वरना टिक्की सटेगी हाथ में। तो मैं आपको बता रही थी कि इसको रेस्ट करने कब छोड़ना है। तो अब ये टिक्की बनने के बाद 15 मिनट के लिए हम लोग इसको फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में भी नहीं, फ्रीज़र में रखेंगे। तब ये टिक्की और क्रिस्पी बनेगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको शाम में टिक्की बनानी है तो आप सुबह टिक्की बना के और इसको फ्रिज में रख लें, और शाम में जब आपके गेस्ट हैं तो उनको गर्मा गर्म फ्राई करके दें। यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो आप जनरली ये घी में बनती है, लेकिन आज मैं रिफाइन ऑयल में बना रही हूँ। इसको थोड़ा तेल ऐड कर लें पैन में। टिक्की आधी डूबनी चाहिए और इस तरीके से आप इसको हर तरफ 2 से 3 मिनट सेक लें, और बिल्कुल लो फ्लेम में सेकें। चावल के आटे की है इसलिए पकने में समय लगेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना कच्ची रह जाएगी अंदर से। हर तरफ से इसको इस तरीके से पलट लें। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको एक तरफ से सिकने में। और ये टिक्की ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, या आप इसको छोले के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आइदर आप ये कोरी टिक्की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये टिक्की अगर आप एक बार घर पे बना लिए तो आप बाहर जाके बिल्कुल नहीं खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से आपको बनानी है टिक्की। ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे ऑलमोस्ट
6 से 7 मिनट्स लग गए ये एक बैच को फ्राई करने में टिक्की की। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता रही हूँ और माप भी एग्जैक्ट है, तो आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनेगी। फ्लेवरिंग के लिए आप इसमें धनिया का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल टिक्की बना रही हूँ जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लगी है। मैं आपको फिर से इसको स्क्रैच करके बताती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। तो आप इसी तरीके से बनाएं। अब हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं। मेरे पास ये प्लेटर है, यहाँ पे मैं अमचूर की चटनी और ये हरी धनिया की चटनी। अमचूर की चटनी आप मेरे राज कचौरी वाले रेसिपी में देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी आपको। तो अब ये सर्व कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से सर्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक दोना लिया है, उसमें मैं ये टिक्की तोड़ के डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ऊपर से मैं ठंडी दही डालूंगी, ये दही मैं फेंट के ले ली हूँ। ये इस तरीके से भी खाने में बहुत लजीज लगता है। तो ये एक तरीके से टिक्की चाट भी हो गई, ये अमचूर की चटनी, ये हरे धनिया की चटनी मैं ऐड कर रही हूँ। जिस तरीके से आप इसको खा सकते हो उस तरीके से खाएं। इसको सर्व कर लीजिए। अगर आप इसमें अब कैच मसाला डाल देते हैं, चाट मसाला, इसमें थोड़ा टमाटर, थोड़ा हरे धनिया से सर्व कर देती हूँ उसको। ये बन के रेडी है, बिल्कुल टेम्पटिंग वाली टिक्की। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें मेरे डिश को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।